अगर आप भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो, ओप्पो रेनो प्रो, ओप्पो A3s, ओप्पो का कोई भी मॉडल, ओप्पो का कोई भी फोन, नया या पुराना आप यूज कर रहे हो और वो फोन आपसे इस प्रकार पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, पिन लॉक लग गया है और आप अपने पासवर्ड, पैटर्न, पिन को भूल गए हो, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, क्योंकि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो का लॉक कैसे तोड़े। फ्रेंड, अगर आप लोग भी ओप्पो मोबाइल यूज करते हो और वो फोन आपसे लॉक हो चुका है तो आप इस वीडियो को ओपन किए हो। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, लंबा वीडियो मैं खुद नहीं बनाता हूँ। उस वीडियो के बीच में हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जिस मेथड को अगर आप लोग भी अपने ओप्पो फोन में अप्लाई करोगे तो आपका भी ओप्पो फोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस हो जाएगा। फ्रेंड, जब आपका ओप्पो फोन इस प्रकार से लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण आप होते हो या आपके फैमिली होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में जब आपका फोन लॉक नहीं होता, लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो आप लोग बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हो। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट जाते हो सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास। 99% व्यक्ति यही करते हैं। दोनों जगह आपका फोन भी अनलॉक होता है, नो डाउट। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि सर्विस सेंटर वाले फोन अनलॉक नहीं करते हैं या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले करते हैं, लेकिन वो लोग आपके फोन में जो भी वर्क करेंगे आपको नहीं दिखाएंगे, पैसा लेंगे, समय लेंगे और आपके फोन के अंदर जो भी डाटा है वो डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देंगे। फैमिली फोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप, जो भी आप अपने फोन में रखे हो ना फ्रेंड, वो टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपका फोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसा दिए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के, अगर आपके पास नेट नहीं है, सिम नहीं है, तो भी आप इस मेथड को अपने ओप्पो फोन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये वर्क ऑफलाइन है जिसमें हम आपका डाटा रिकवर करेंगे। ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर की मदद से फ़ोन अनलॉक करना हम भी जानते हैं, लेकिन उसमें आपका डाटा रिकवर नहीं होगा फ्रेंड। और इस मेथड के अनुसार अगर आप चलते हो तो आपका फ़ोन भी अनलॉक होता है और आपका डाटा भी रिकवर होता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के सामने आएगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपने ओप्पो के स्क्रीन के ऊपर स्विप अप करोगे, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो होगा शो करेगा। जैसा कि इस ओप्पो फोन में पैटर्न अभी शो कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न लॉक है। अगर आपके फोन में पासवर्ड है या पिन है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मेथड सेम रहेगा। आपको इस पेज में कोई वर्क करने का ऑप्शन खोजना है, नहीं तो आप बार बार पैटर्न को ट्राई करोगे, सेकंड शो करेगा, फिर ट्राई करोगे, मिनट शो करेगा, धीरे धीरे आपका फोन डेथ होता चला जाएगा। आपको इतना कोशिश नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मेथड पे आना है। ऊपर कोई ऑप्शन देखिएगा, नहीं है। दाएं कोई ऑप्शन है, नहीं है। बाएं कोई ऑप्शन है, नहीं है। नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं। आपके फ़ोन में होगा इमरजेंसी कॉल के नाम से या इमरजेंसी SOS के भी नाम से हो सकता है, ये दोनों एक ही है। आपको फाइनली इसी इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है, क्योंकि अदर ऑप्शन कोई नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, इमरजेंसी SOS। आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल होगा, आप यहाँ पे क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे इमरजेंसी कॉल पे, आपके सामने एक डायलेट ओपन होगा। अगर जिस फोन में डायलेट ओपन नहीं हुआ, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन में क्लिक करोगे, अब आपके सामने डायलेट ओपन हो जाएगा। अब आपको फ्रेंड इस डायलेट पे *#899 और हैज पे क्लिक करना है। कोड याद रहे, *#899। आपके सामने आफ्टर सेल का एक न्यू पेज ओपन हुआ होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। आप ऊपर से 5वां नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना, 5वां नंबर ऑप्शन आएगा सॉफ्टवेयर वर्जन का, आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आप देखोगे एंड्रॉयड वर्जन 13, बोले तो 13, तो आपको यहाँ पे 13 बार क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में 10 है, 9 है, 6 है, 7 है या 14 है या 15 है, आपको उतना टाइम क्लिक करना होगा। इस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का वर्जन है 13, हम 13 टाइम क्लिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 टाइम क्लिक किए, अब हम इसको बैक कर लेंगे। आपके फ़ोन में जितना वर्जन होगा आप उतना टाइम क्लिक करना। अब जस्ट ऊपर 4 नंबर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है मैनुअल टेस्ट पे। फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकंड पेज पे आना है, नेक्स्ट पेज पे डिवाइस डबिंग पे। और सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा।
इस फोन में दो सेंसर शो कर रहा है, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। अगर आपके ओप्पो फोन में तीन सेंसर है या चार सेंसर है या पांच सेंसर है, आप सबको स्टार्ट कर देना, आपका कोई भी एक सेंसर पास आएगा तो ही आपका फोन अनलॉक होगा, अन्यथा आपका फोन अनलॉक नहीं होता। तो मेरे पास दो सेंसर है तो हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे। अगर ये दोनों स्टार्ट हो जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा और एक पास आना चाहिए। अगर आपके पास तीन सेंसर है, चार सेंसर है, पांच सेंसर है, आप सबको स्टार्ट कर दो, नो डाउट एक पास आना चाहिए। अगर दो भी पास आ गया तो बहुत अच्छा है। तो हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे, ये दोनों जब स्टार्ट होगा वर्किंग करेगा तो येलो कलर का हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड, येलो कलर का हो चुका है और ऊपर का टेस्ट पहला सेंसर हमारा फेल हो चुका है और नीचे का दूसरा सेंसर हमारा पास हो चुका है। हम लोग का मकसद क्या था फ्रेंड, एक सेंसर का पास होना और एक सेंसर हमारा पास भी हो चुका है। अब हम इसको बैक कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है जायरोस्कोप पे। जी सेंसर के नीचे आपको जायरोस्कोप दिख रहा है, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लीजिएगा। ग्राफ का जो ऑप्शन दिख रहा है ग्राफ पे क्लिक कीजिएगा और इसको 10 सेकंड वर्किंग करने के लिए छोड़ दीजिएगा, ओनली 10 सेकंड, ताकि आपके फोन में जो भी ईमेल जीमेल होगा ना फ्रेंड, वो इस वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। जब आपको लगे कि ये 10 सेकंड रनिंग कर चुका है, वर्किंग हो चुका है, तो आप इसको बैक कर लेना। अब आपको यहाँ पे दो नंबर ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट दिख रहा है, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा। मैं जो भी वर्क करूँगा उसमें पास आना चाहिए, फेल आएगा आपको वो वर्क दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। 100 बार भी करना पड़े तो आप करना, लेकिन जब तक पास नहीं आएगा तब तक बैक मत लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे फोन में अब यहाँ पे पास या फेल का ऑप्शन आ चुका होगा। जिस फोन में पास या फेल का ऑप्शन नहीं आया, स्टार्ट करने का ऑप्शन है, वो स्टार्ट कर लेंगे और पास आने तक का वेट करेंगे। अगर फेल आता है तो आपको कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा फ्रेंड। अब देख सकते हो मेरा पास आ चुका है एक बार में, अब हम इसको बैक कर लेंगे। नीचे तीन नंबर ऑप्शन, ये तीनों वर्क इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। नीचे लास्ट ऑप्शन है डाटा डिस्प्ले का, जहाँ पे हम आपको बताते हैं डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, कैसे सर्विस सेंटर वाले आपके फ़ोन का डाटा डिलीट कर देते हैं बिना पैसा लेने के बाद भी, लेकिन हम यहाँ पे फ्री में आपका डाटा रिकवर करके देंगे फ्रेंड। बस डाटा डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है सिंपल तरीके से और देखोगे एक्स वाई जेड तीन एंगल नीचे की ओर इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपका टोटल का टोटल डाटा धीरे धीरे रिकवर हो रहा है फ्रेंड। इसको 30 तक रिकवर करने दीजिए, इंक्रीज करने दीजिए 30 तक। अगर ये 30 तक जिस फोन में ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंक्रीज करता है उसका डाटा रिकवर होता है कन्फर्म 110%, और ये 30 प्लस हो चुका है, आप खुद देख सकते हो। अब हम यहाँ से इसको बैक कर लेंगे। हमारा टोटल वर्क हो चुका है, बस वर्क बच गया तो अनलॉकिंग का। सेकेंड नंबर ऑप्शन अदर्स पे आने के बाद, लास्ट पेज पे आने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको दिखेगा रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट का, जिसमें आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया, फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर लीजिए। सेकेंड टाइम में ये कोड जरूर से अप्लाई कीजिएगा, *#121#, ये कोड डायल कीजिए और इसको ओके कर लीजिए। अगर जिस फोन में ये रॉन्ग पासवर्ड शो हो रहा है, समझ जाइएगा आपके फोन में पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी है वो रिसेट होना स्टार्ट हो चुका है। तीन नंबर ऑप्शन की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है पास या फेल। फेल कहीं नहीं रहना चाहिए फ्रेंड, जो भी वर्क होगा वहाँ पे पास चाहिए, फेल नहीं चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे और आप देख रहे हो अपडेट हुआ फ्रेंड, अभी तुरंत अपडेट हुआ। नेम में जितना भी की आप देख रहे हो, स्टेटस में सारा पास 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 है। इसका मतलब अब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से आपका पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी था वो टूट चुका है, इसीलिए सारा की पास शो किया है। तो इसको बैक कर लीजिएगा, डाटाबेस वर्जन पे वन टाइम क्लिक कीजिएगा, वन टाइम रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पास, होम बटन का ऑप्शन है डायरेक्ट होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि स्वीपअप का ऑप्शन है तो डायरेक्ट स्वीपअप कीजिए, लेकिन होम सही। तुरंत पास आने के बाद रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, पास आया, होम बटन का ऑप्शन है, होम बटन पे क्लिक किए और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन फुल्ली तरीके से अनलॉक मैंने किया, वो भी विदाउट डाटा लॉस किया। इस फोन का एक भी डाटा आप देख लो डिलीट नहीं है। सर्विस सेंटर जाते पैसा लगता, समय लगता, डाटा लगता, मैंने जो भी किया आप लोग के सामने किया वो लोग आपको वर्क करके नहीं दिखाते। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग को कभी भी अनलॉकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो फ्रेंड। और 10 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को चेंज जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।